नवाज शरीफ के सर्विसेज हॉस्पिटल में टेस्ट मुकम्मल, वापस कोट लखपत जेल मुंतकिल किए जाने के इम्कान। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को आज शाम किसी भी वक्त जेल मुंतकिल किया जा सकता है। बिलाल चौधरी से मज़ीद जानते हैं। बिलाल चौधरी, बताइए। जी बिल्कुल नवीद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि गुज़श्ता चार रोज से सर्विस अस्पताल के वीवीआईपी ब्लॉक में जेर इलाज हैं, इनके चार रोज से इनके जो मुसलसल जो टेस्ट थे वो किए जा रहे थे। आज उन तमाम जो टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं वो आ चुकी हैं। मेडिकल बोर्ड जो बनाया गया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से, उन्होंने भी अपनी सिफारिशात जो हैं वो कंपाइल कर ली हैं और प्रिंसिपल महमूद अयाज ने जितनी भी जो इंस्ट्रक्शन थी वो कंपाइल करके महकमा दाखिला को, हेल्थ डिपार्टमेंट को भिजवा दिया है। और हमारे जो अस्पताल के जरिए हैं और सदका जरिए के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आज शाम जो है वो किसी भी वक्त कोट लखपत जेल में मुंतकिल किया जा सकता है। और इस हवाले से जो सिक्योरिटी है वो भी हाई अलर्ट कर दी गई है और जो नून लीगी कारकुनान है उनकी बड़ी तादाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। बिलाल चौधरी, ये भी बताइए, जाती मॉलेज डॉक्टर नान का नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक बयान दिया गया है? जी बिल्कुल, जाती मॉलेज जो कि थोड़ी देर पहले वीवीआईपी ब्लॉक में आए थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ियारत के लिए, और क्योंकि मरियम नवाज भी अभी भी वीवीआईपी ब्लॉक में हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हैं, अब जाती मौली डॉक्टर अदनान को भी बुला लिया है। तो जब डॉक्टर अदनान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मिलने के लिए तो उनसे पूछा गया तो कि मियां नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स के बारे में, उनकी सेहत के बारे में, तो उनकी जानिब से ये कहना था कि मुझे अभी किसी भी किस्म की जो रिपोर्ट्स हैं ये मौसूल नहीं हुई और मुझे अभी उनकी सेहत के मुतालिक कुछ इशू नहीं है, लेकिन जब रिपोर्ट्स देखूंगा फिर उसके बाद ही कोई जो है वो फैसला करके आपसे बात करूँगा। जी ठीक है, शुक्रिया बिलाल चौधरी तफसीलात से आगाह करने के लिए। डॉक्टर अदनान का क्या कहना था, आइए जानते हैं। रिपोर्ट्स मिली हैं आपको कि नहीं डॉक्टर? अभी नहीं मिली। कैसी तबीयत है नवाज शरीफ? अभी जस्ट वेट फॉर द रिपोर्ट्स, थैंक यू। मिली नहीं अभी तक। रिपोर्ट्स मिली हैं आपको कि नहीं डॉक्टर? अभी नहीं मिली। कैसी तबीयत है नवाज शरीफ? अभी जस्ट वेट फॉर द